बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां सीएम हाउस में मॉक ड्रिल होगी। राष्ट्रपति वोटिंग को लेकर होगी मॉक ड्रिल, विधायकों को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और बैठक के दौरान ये मॉक ड्रिल की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हाउस में मॉक ड्रिल की जाएगी और राष्ट्रपति वोटिंग को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी, विधायकों को मतदान करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, साथ ही साथ बैठक के दौरान मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां चुनाव से पहले विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, वोटिंग से पहले मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, जहां सीएम हाउस में मॉक ड्रिल की जाएगी। राष्ट्रपति वोटिंग को लेकर ये मॉक ड्रिल हो रही है और बताते चले कि विधायकों को मतदान करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, साथ ही साथ बैठक के दौरान ये पूरी मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो बता दें आपको कि राष्ट्रपति वोटिंग को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जारी है और इसी तैयारी के तहत अब मॉक ड्रिल एक नया हिस्सा इसमें जुड़ गया है, जिसमें सीएम हाउस में मॉक ड्रिल कराई जाएगी और बताते चले कि विधायकों को मतदान करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस दौरान और बैठक के दौरान ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो विधायकों को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और बैठक के दौरान ये मॉक ड्रिल होनी है। राष्ट्रपति वोटिंग को लेकर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। सीएम हाउस में ये मॉक ड्रिल होगी और बैठक के दौरान ये मॉक ड्रिल होनी है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा विधायकों को पूरे चुनाव कराने के दौरान। और वहीं अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश से तलैया इलाके में पुराना मकान गिरा है और आपको बता दें कि कई वाहनों पर मकान का मलबा भी गिरा है। किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार बारिश से नए नए तरफ तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं, जहां एक और भोपाल में कहर देखने को मिला और बारिश से तलैया इलाके में पुराना मकान गिर चुका है। कई वाहनों पर मकान का मलबा गिरा है और किसी के जानमाल की नुकसान नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश का कहर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब मकान गिरना शुरू हो चुके हैं और ऐसे में लोगों को चिंता सताने लगी है, क्योंकि इस तरह से अगर मकान गिर रहे हैं तो लोगों में डर बैठा हुआ है। और आइए सीधे रुख करते हैं, जहां